यूपी में बीजेपी अलग अलग पार्टियों से निपटने के लिए अलग अलग प्लान बना रही है। बीएसपी के बाद बीजेपी ने अब एसपी से निपटने का प्लान बनाया है। हाल ही में मथुरा में हुई हिंसा को बीजेपी ने एसपी के खिलाफ सियासी हथियार बनाने का फैसला किया है। इसके तहत बीजेपी ने kabza.hatao@bjp.org ईमेल आईडी जारी किया है। इस ईमेल आईडी पर सूबे में हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी और पार्टी इस अवैध कब्जे से जमीन को छुड़वाने में शिकायतकर्ता की मदद करेगी। इस मेल आईडी पर आई शिकायतों को लेकर जिले या इलाके की बीजेपी नेता प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर न्यायिक अधिकारियों तक का दरवाजा खटखटाएंगे और जल्द सुनवाई के लिए दबाव बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाएगी और ये पहल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो ये तो साफ हो ही चुका है कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन कैसे अब कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच एक विश्वास हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है उनकी मदद करके। बाकायदा एक आईडी क्रिएट किया गया है, ईमेल आईडी, जिस पर शिकायत मंगवाई जाएगी और उसके बाद कैसे इसको दूर किया जाए इसकी कोशिश होगी। हालांकि इसके पहले 7 जून को अमित शाह ने संकेत दिए थे कि वो मथुरा हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है प्रदेश कार्यालय में बैठकर कि ये जो जमीन कब्जा की एक परंपरा, एक सरकार के आशीर्वाद से परंपरा पूरे प्रदेश में चलाई है, न केवल सरकारी जमीनों का कब्जा, निर्दोष गरीबों की जमीनों का कब्जा भी सपा के कार्यकर्ता और गुंडे करते हैं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। कल ही हम एक ईमेल एड्रेस एडवर्टाइज देकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। इस एड्रेस पर जिस जो भी कंप्लेन आएगी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ, वो अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष भी करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से भी संघर्ष भी करेगी और सड़कों पर भी करेगी, लीगल तरीके से भी करेगी, कोर्ट में भी हम जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। अवनीश, ये कहें, दरअसल अपना जनाधार तैयार करने के लिए मुद्दा तो पुराना है लेकिन तरीका नया अपनाया गया है बीजेपी की तरफ से, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, ये बताया जा सके कि कैसे उनके लिए अहम है लोगों की शिकायतें और उनकी समस्याओं को दूर करना। यहाँ श्वेता, बीजेपी ने एक के बाद एक काउंटर शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश में, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। पहले बीएसपी को काउंटर करने के लिए तमाम सारे दलित सम्मेलन और उसके बाद जो है अब समाजवादी पार्टी, सत्तारूढ़ दल है उत्तर प्रदेश का, उसको काउंटर करने के लिए कानून व्यवस्था जो उसकी दुखती रग है, बार बार कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार पर आरोप लगते रहे। मथुरा की घटना के बाद खासतौर पर वो आरोप जो है वो और काफ़ी बड़ा हो गया और बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर लेकर के अब विधानसभा के चुनाव के प्रचार अभियान को शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जब एक दलित सम्मेलन शुरू हुआ था उसकी उसमें अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने ये बात कही थी कि वो इस पूरे मुद्दे को और आगे ले जाएंगे और खासतौर पर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे आगे बढ़ाएंगे। जमीनों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो गांव-गांव, गली मोहल्ले तक सीमित है, तमाम जगहों पर जो है इसकी संभावना है और इन मुद्दों को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाती है तो सीधे जनता से कनेक्ट होता है मुद्दा। अभी देखना होगा कि इस जो वेबसाइट जारी की है, जो ईमेल एड्रेस जो है वो बीजेपी ने जारी किया है, उस पर किस तरह का रुझान उनको मिलता है और उसको लेकर के आगे बीजेपी कितना एक्टिव रहती है ये अब देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया है। कानून व्यवस्था दुखती रग है समाजवादी पार्टी की, लिहाजा इसको प्रदेश व्यापी मुद्दा बना करके चुनाव में आगे चलने की बीजेपी की। अच्छा अवनीश, बताइए क्या इसको लेकर कोई टीमें भी बनाई गई हैं कि शिकायतें अगर आती हैं तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे पहुंचा जाएगा वहां तक, इसको कैसे एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाएगा? कोई ऐसी तैयारी तो अभी नहीं हुई है लेकिन पार्टी ने पहला कदम उठा दिया, एक ईमेल एड्रेस जो है वो जनता के बीच दे दिया है। अब लोकल यूनिट्स, लोकल लेवल पर जो पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष वगैरह होंगे, विधायक सांसद होंगे, वो पार्टी के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ जो शिकायतें आएंगी यहाँ मुख्यालय पर या ईमेल एड्रेस पर, उनको उन जिलों को रेफर किया जाएगा, वहाँ पर उनकी वस्तु स्थिति पता लगाई जाएगी और उसके बाद फिर जैसा मुद्दा होगा उस तरीके से उसको लेकर के आगे संघर्ष होगा। चलिए अवनीश, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।